ये फैक्ट तो दुनिया जान चुकी है कि चांद का साउथ पोल अंधेरे में डूबा हुआ है। चांद के उस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल के जिस इलाके में उतरेगा वहां की तस्वीर कुछ और होगी और हालात भी बिल्कुल अलग होंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं चांद के उस ठिकाने पर जहां उतरने वाला है भारत का चंद्रयान 3। ये तस्वीरें चांद के दक्षिणी ध्रुव की है जिसे चंद्रयान 3 ने ही भेजा है। ये चांद के साउथ पोल का वो इलाका है जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। वैसे तो चांद का दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन साउथ पोल के इस छोर पर सूरज की रोशनी पहुंचती है और यहां साउथ पोल की तुलना में ठंड भी कम होती है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक चांद का साउथ पोल उबड़ खाबड़ जगहों से भरा है, साथ ही यहां छोटे बड़े कई क्रेटर हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं। भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल के जिस इलाके में लैंड करेगा वो कई मायने में मिशन के लिए अनुकूल है। यहाँ सूरज की रोशनी से सौर ऊर्जा मिलेगी, उजाले में चंद्रयान की लैंडिंग आसान होगी, साउथ पोल के इस इलाके में संचार और नेविगेशन बेहतर होगा। 23 अगस्त की शाम जब चंद्रयान 3 की साउथ पोल के नजदीक लैंडिंग होगी उस वक्त चांद पर सुबह का सूरज निकलेगा। सूरज की रोशनी मिलते ही चंद्रयान का सोलर पैनल एक्टिव हो जाएगा, लैंडर और रोवर सोलर एनर्जी से काम करने लगेंगे। चंद्रमा के दिन की सुबह की शुरुआत जब होगी उसके ही हम चंद मिनट के बाद हमारा चंद्रयान 3 वहां पर उतरेगा। चंद्रयान 3 जब उतरेगा तो माने इसका लैंडर मॉड्यूल वहां उतरेगा, लैंडर मॉड्यूल में से रोवर बाहर आएगा। रोवर बाहर आने के बाद ये शुरू में कुछ मिनट तो बैटरी से पावर लेगा, लेकिन उसके बाद सूरज की रोशनी जो चंद्रमा के सोलर पैनल के जो हमारे रोवर के सोलर पैनल के ऊपर गिरेगी उससे एनर्जी ये कन्वर्ट होके अब रोवर इस एनर्जी को लेगा और तब रोवर काम करेगा। तो एक रिसर्च के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव के कुछ छोर लंबे समय तक सूरज की रोशनी से नहाए रहते हैं। इसकी अवधि धरती के हिसाब से 200 दिनों तक हो सकती है, लेकिन यहाँ चंद्रयान 3 के मुताबिक सूरज की रोशनी का हिसाब तय किया गया है। इसरो ने चांद की लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त इसलिए चुनी है कि वहाँ लैंडर और रोवर को लगातार 14 दिनों तक रोशनी मिल सके, क्योंकि चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। हमने इसे कल ही उतरने का क्यों तय किया है और शाम को उसी वक्त क्यों उतरने का तय किया है? चंद्रमा का एक दिन हमारे अर्थ के 14 दिन के बराबर है और हमारा जो रोवर है जो लैंडर से निकल के जब बाहर आएगा तो शुरू शुरू में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से पावर्ड है और बैटरी से ये चल के उस पावर को लेकर ये बाहर आएगा और उसके बाद इसके सोलर पैनल्स खुल जाएंगे और सोलर पैनल्स वहाँ की सूरज की रोशनी को लेके अपनी एनर्जी से लेके अब वो आगे काम करेंगे। सोलर एनर्जी का फायदा उठाकर चंद्रयान 3 14 दिन लगातार एक्टिव रह सकता है और इस 14 दिनों में चंद्रयान चांद के साउथ पोल की कई पहेली सुलझा सकता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।